हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो तगड़ी टीमें जो आईपीएल का ये मैच खेलने वाली हैं, जिसमें से एक ने तो अपनी रेपुटेशन बचा ली है बट दूसरी नहीं बचा पाई है। एक तरफ है सनराइज हैदराबाद जो इस साल काफी अच्छा खेले और दूसरी तरफ है आरसीबी एज यूजुअल खराब खेल रहे हैं, खराब बॉलिंग के साथ खेल रहे हैं और कॉम्बिनेशन भी इनका हर मैच में चेंज हो रहा है। तो SRH थोड़ी सी फेवरेट स्टार्ट होगी, तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि होम ग्राउंड तो RCB का है, बट एडवांटेज SRH को ही रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगातार आपको वीडियो को देखना है, वॉच करना है और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप फैंटेसी की एक अच्छी टीम बना पाएंगे। तो गाइज, ये है 30वां मुकाबला, 30th मैच ऑफ IPL 2024 जो कि 15th अप्रैल को 7:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। होम ग्राउंड एडवांटेज बेंगलुरु के पास है, एम स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मैच होने वाला है। तो आरसीबी के पास होम एडवांटेज है बट SRH इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट टीम बनी हुई है इस टूर्नामेंट की। अगर हम बात करें अपडेट्स की, तो अपडेट्स आपको मिलेंगे इस मैच के रिगार्डिंग, यानी पिच रिपोर्ट, टॉस अपडेट जो होते हैं मैच से जस्ट पहले जो हम आपको देते हैं, सो वो टेलीग्राम पे मिलेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और कल ही देख सकते हैं हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम थी उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सिर्फ हमारे वाइस कैप्टन थोड़े से गलत हो गए, वरना पूरी टीम अगर आप देखें तो इसमें पथिराना थे, इसमें हार्दिक थे, मिशेल गायकवाड़ थे, इसमें गायकवाड़ हमारे कैप्टन भी थे, रोहित भी थे, ईशान किशन, काफी अच्छी टीम गई। और ऐसे मल्टीपल टीम्स आपको ग्रैंड लीग की जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं, सो अपडेट करके प्रोवाइड करते हैं, इसलिए रोज आपको ये टीम्स देखनी है कि हर मैच की मैं आपको क्या ग्रैंड लीग की टीम दे रहा हूं, तो टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जिससे आप टेलीग्राम से जुड़ पाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाइए, सबसे ऊपर मैंने अपने कमेंट को पिन कर दिया। इसके अलावा किस ऐप पे खेलेंगे, तो ऐप आपके लिए जो मुझे लग रहा है कि ठीक ऐप हो सकती है वो है फैनलाइन 11, क्योंकि लगातार ग्रैंड लीग का प्राइस यहां पे बढ़ रहा है। आप देखिए, ₹21 की एंट्री फी में अब रैंक वन प्राइस ₹1222 हो चुका है, कंपैरेटिवली देखें वो भी सिर्फ 351 मेंबर्स में, 350 के आसपास लोग हैं और उसमें अगर आप अपनी रैंक वन लगा लेते हो तो 1222 रुपए मिलेंगे। सेकंड रैंक पे 551 का प्राइस है, थर्ड रैंक पे 333 है, फोर्थ पे 201 है, फिर 101 है, फिर 50 है। 6 से 10 तक देखिए रैंकिंग पे 101 का प्राइस है, 11 से 25 तक का 50 का प्राइस है और ऐसे ढेर सारे प्राइजेस आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। So, अगर आप 14 टीमों से खेले, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में आप मैक्सिमम 14 टीम्स लगा सकते हैं और साथ ही साथ ये कॉन्टेस्ट कंफर्म है, यानी अगर ये 351 मेंबर्स फिल नहीं होते, मान लीजिए 351 की जगह पे सिर्फ 200 लोग ज्वाइन कर पाते हैं या 100 लोग ज्वाइन कर पाते हैं, फिर भी ये कॉन्टेस्ट लाइव होगा और सेम टू सेम यही प्राइस मिलेगा, कोई इसमें डिडक्शन नहीं होगा, सेम प्राइस है। कंपनी को लॉस लगे तो लगे बट वो कंफर्म कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। फैनलाइन 11 पे जाइए और इस कॉन्टेस्ट को खेलिए, बहुत पॉपुलर कॉन्टेस्ट है इस ऐप का। आगे चलते हैं और बात करते हैं इस ग्राउंड की। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मैच होगा। T20 के 158 मैचेस में से 70 बैटिंग फर्स्ट और 86 बैटिंग सेकंड ने जीते, दो मैच यहां पे टाई हुए, एवरेज स्कोरिंग 167 है और हाईएस्ट टोटल आरसीबी का 263 और लोएस्ट टोटल भी आरसीबी का 82 यहां पे रजिस्टर्ड है। पिछले दो आईपीएल मुकाबले जो इसी साल खेले गए दोनों में स्कोरिंग 180 के आसपास हुई, देखिए फर्स्ट बैटिंग करके। लास्ट वाले मैच में LSG ने 181 बनाया, आरसीबी उसको चेज नहीं कर पाई थी। उसके पहले वाले मैच में आरसीबी ने 182 बनाया था, क्या ने चेज कर लिया था, यानी 182-185 एक यहां पे कॉमन स्कोर आप कह सकते हैं साल का। और सबसे बड़ी बात है कि 182 भी चेज हो सकता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है। अगर आपको विनिंग साइड पे रहना है तो इस ग्राउंड पे कम से कम 190 से ऊपर तो बनाना ही होगा और 200 बना लो तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि छोटी बाउंड्रीज है, बढ़िया ग्राउंड है बैटिंग के लिए, तो 200 से कम क्या बनाएंगे। तो 200 से कम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा टीम को, उसको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। हालांकि पिच रिपोर्ट में बता दूंगा कितने रन एक्सपेक्टेड है। टोटल विकेट्स पिछले दो मैचेस में गिरे हैं 16 फास्ट बोलर्स के और 5 स्पिनर्स के, यानी टोटल तेज गेंदबाजों ने निकाले 16 विकेट पिछले दो मैचेस में और स्पिनर्स ने निकाले सिर्फ 5 विकेट। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के लिए ग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, फास्ट बोलर्स को बहुत मदद करता है बट सबसे ज्यादा बैटर्स को मदद करता है। हेड टू हेड में अगर आप देखें इस ग्राउंड के अंदर, इस ग्राउंड पे पहले 7 बार आमने सामने खेल चुकी आरसीबी SRH, जिसमें से SRH ने 2 मुकाबले जीते और आरसीबी ने 5 जीते, मतलब आरसीबी का रिकॉर्ड SRH के सामने इस ग्राउंड पे अच्छा है। SRH के टोटल 8 में से 2 ही मुकाबले उन्होंने यहां पे जीते हैं इस ग्राउंड पे, जो कि अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और आरसीबी ने 83 मैचेस में से 40 मैचेस को विन करा है, जो कि एब्सोल्युटली 48-50% का इनका विनिंग रेट दिखा रहा है।
लास्ट दो हेड टू हेड मुकाबले पिछले साल के और उसके पहले वाले साल के दोनों मैचेस आरसीबी ने जीते हैं, मतलब एसआरएच आरसीबी के जो आखिरी मैचेस खेले गए उसमें आरसीबी ने 8 विकेट और 67 रन से विनिंग दर्ज करी है। अच्छा लास्ट मुकाबला ही देख लो आप एसआरएच और आरसीबी का, क्लासिन और विराट कोहली इन दोनों ने अपनी टीमों के लिए शतक लगाए थे, यही मेरे कैप्टन होंगे इस मैच में भी क्योंकि दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं और टेक्निकली आप देख सकते हैं मोस्ट करेक्ट बैटर्स हैं, ठीक है, मतलब स्किल्स भी है भरपूर, फॉर्म भी ठीक है। सो ये दो प्लेयर्स पिछले साल भी शतक लगाए थे दोनों ने, ध्यान रखिएगा। ब्रूक ने 27 बनाया था, डुप्लेसी ने 71, मरकरम ने 18, ब्रैसवेल ने 2 विकेट, नटराजन और भुवनेश्वर कुमार ने एक एक विकेट निकाला था, हर्षल पटेल और सिराज ने एक एक विकेट निकाला था। ये 2023 वाला मैच है। अब 2022 वाले मैच में देखिए, 2022 वाले मैच में एसआरएच और आरसीबी से किन किन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, डुप्लेसी अगेन परफॉर्म करेंगे, देखिए वहां भी 71 बनाए, यहां 73, यानी पिछले दो मैचेस से एसआरएच के सामने लगातार परफॉर्म कर रहे हैं डुप्लेसी 73, त्रिपाठी 58, मरकरम 21, रजत पाटीदार मैक्सवेल 48 और 33, जे सुचित 2 विकेट, त्यागी 1 विकेट, हसरंगा 5 विकेट, हेजलवुड 2 विकेट। तो ये है इनकी हेड टू हेड की कहानी। इनके बीच में टोटल आईपीएल में अब तक 22 मैचेस हो चुके हैं जिसमें से 11 एसआरएच और 10 आरसीबी ने जीते और एक मैच नो रिजल्ट रहा है, ठीक है। अगर आप हेड टू हेड के आखिरी 5 मैचेस देखें तो उसमें 2 एसआरएच ने जीते हैं और 3 आरसीबी ने जीते हैं, यानी आखिरी 5 हेड टू हेड में भी आरसीबी थोड़ा सा आगे दिख रही है और लास्ट के 2 मैचेस पिछले साल और उसके पहले वाले साल में जीत के आई हुई है। बट विनिंग चांसेस जो है इस बार टीम कॉम्बिनेशन अगर आप देखें, टीम परफॉर्मेंस देखें, तो एसआरएच का मच बेटर है आरसीबी से, क्योंकि आरसीबी के पास बैटिंग तो है बट बॉलिंग नहीं है, जबकि एसआरएच के पास बैटिंग भी है और बॉलिंग भी डिसेंट है। तो कहीं ना कहीं फेवरेट्स तो एसआरएच होगी, 60% चांस मुझे लग रहा है कि एसआरएच इस मैच को जीतेगी और 40% का चांस आरसीबी का रहेगा क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 की, क्या प्लेइंग 11 होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पिछले मैच में जब एसआरएच ने फर्स्ट बैटिंग करी, इन्होंने ट्रेविस हेड का इस्तेमाल किया और इनकी बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप होती हुई जब दिखी तो फिर ये त्रिपाठी को भी ले आए, जबकि इनके प्लान में ये था कि सेकंड बॉलिंग में ये मयंक मार्कंडे को लाएंगे, बट इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि फिर इनको एक एक्स्ट्रा बैटर बुलाना ही पड़ा। तो इंपैक्ट में ये क्या करा, इन्होंने फर्स्ट इनिंग में ही दूसरा बैटर भी बुला लिया। ओपनिंग पेयर इनका अभी जो चल रहा है वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का चल रहा है, नंबर 3 पे आपको मरकरम दिख जाते हैं, नंबर 4 पे मोस्ट प्रोबेबली आपको हेंडिस क्लासिन दिखने चाहिए नंबर 4 पे, बट समटाइम्स जब बैटिंग कोलैप्स एकदम से होता है तो टीम क्लासिन को थोड़ा सा बचा के रख लेती है और राहुल त्रिपाठी, नितेश रेड्डी इनको थोड़ा सा ऊपर भेज देती है, बट नंबर 4 की पोजीशन या 5 की पोजीशन तक क्लासिन आ ही जाने चाहिए क्योंकि वो शतक लगाने वाले प्लेयर है, लास्ट सीजन भी लगाया था, बड़े प्लेयर है। फिर आएंगे अब्दुल समाद, शहबाज अहमद तक इनकी बैटिंग मानी है और पैट कमिंस भी बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी मेन बोलर्स में अगर आप देखें तो इनकी मेन बोलर्स में है टी नटराजन, उनादकट, भुवनेश्वर, पैट कमिंस, शहबाज अहमद और इसके अलावा अगर बॉलिंग की जरूरत पड़ी तो मयंक मार्कंडे हैं जिनको टीम इंपैक्ट में ला सकती है और थोड़ा बहुत एक आध दो ओवर कराने हो तो फिर नितेश रेड्डी और अब्दुल समाद भी कर सकते हैं। बॉलिंग ऑप्शंस काफी हैं टीम के पास एक तरीके से देखे तो। अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो ये टीम डेथ ओवर्स में श्योर है ही नहीं क्योंकि कभी इनके डेथ ओवर्स में आपको उनादकट दिख जाते हैं, कभी आपको नटराजन दिख जाते हैं, कभी भुवनेश्वर, तो कभी पैट कमिंस दिख जाते हैं, तो ये रोटेट करते रहते हैं क्योंकि सबके सब डेथ में बॉलिंग करना जानते हैं। तो आप देखोगे आखिरी के 5 ओवर में पूरी भसड़ मची होती है, कभी आपको मतलब मैच सिचुएशन के हिसाब से कभी कमिंस दिख जाते हैं डेथ में, कभी भुवनेश्वर दिख जाते हैं, उनादकट, कभी मिक्सअप दिख जाता है इनका, एक एक ओवर सभी करे जा रहे हैं। सो ये दिक्कत है इनकी बॉलिंग में भी, ऐसा नहीं इनकी बॉलिंग भी परफेक्ट नहीं है बट आरसीबी से बेटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है टीम इनकी। इसके बाद हम आगे चलेंगे और बात करेंगे इनकी कैसे परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी टीम में इनको सेलेक्ट कर सकें। सबसे पहले ट्रेविस हेड की बात कर लेते हैं। ट्रेविस हेड बहुत अच्छे फॉर्म में है बट पिछले कुछ मैचेस से थोड़ा सा शांत हो गए। 21, 31, 19, 62 ये इनके आखिरी 4 मैच के परफॉर्मेंसेज है। बैटिंग एवरेज जिसमें इनका 28.4 का है। अगेंस्ट आरसीबी देखें तो आखिरी कुछ मैचेस मतलब खेले ही नहीं पहली बात तो, सो आखिरी कुछ मैचेस क्या देखेंगे, हाँ इस ग्राउंड पे आखिरी मैच इनका 75 का स्कोर था, अच्छा था स्कोर, 81 का एवरेज बन रहा है। ट्रेविस हेड का फॉर्म थोड़ा सा भी डाउन चल रहा है, जल्दी विकेट गवा दे रहे हैं, बट हैं बड़े प्लेयर, जिस दिन खेल गए लंबा खेल के जाएंगे। अभिषेक शर्मा लास्ट मैच में थोड़ा सा खराब खेले, बाकी सारे मैचेस आईपीएल के इनके काफी अच्छे रहे, स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं अभिषेक शर्मा, पेस को थोड़ी सी समस्या है पेस खेलने में, 27 की बैटिंग एवरेज होती है और समटाइम्स टीम चाहे तो बॉलिंग भी करा सकती है। अगेंस्ट आरसीबी इनके रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं है, इस ग्राउंड पर पहली बार खेलेंगे बट अच्छे फॉर्म में है और इस साल बढ़िया प्लेयर्स की कैटेगरी अगर आप डालें एसआरएच के जो सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं उसमें अभिषेक शर्मा का नाम आएगा। एडन मरकरम कुछ खास नहीं खेल रहे, कुछ मैचेस में 50 बनाते, कुछ में 0 पे आउट हो जाए, कुछ में 17, कुछ में 42 है, तो थोड़ा सा 50-50 मामला चल रहा है इनका, बट है अच्छे प्लेयर, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बैटिंग एवरेज भी ओवरऑल 31 की होती है, हेड और अभिषेक से भी थोड़ी सी बेटर है इनकी टी20 में एवरेज,
अगेंस्ट आरसीबी ये भी कुछ खास नहीं खेलते और इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इसके बाद आएंगे हेनरिच क्लासिन, बट अगर जल्दी बैटिंग कोलैप्स हुआ तो नीतीश रेड्डी और आपको राहुल त्रिपाठी भी दिख सकते हैं, ठीक है। नंबर चार पे क्लासिन आएंगे वैसे, ठीक है। अब इन चार तीनों का आप देखो जरा परफॉर्मेंस, लास्ट के दो मैच में रेड्डी ने क्या किया है, 64 और 14 का स्कोर किया है। त्रिपाठी का फॉर्म अगर आप देखें तो वही 20 रन के आसपास बनाते और आउट हो जाते हैं, बैटिंग एवरेज से भी आपको पता चल जाएगा। क्लासिन बहुत अच्छा खेलते हैं बट आखिरी दो तीन मैचेस से उतनी बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इनका नेचुरल पोजीशन चार है। अगर उस पर नहीं खिलाएंगे, चार या पांच तक अगर नहीं भेजेंगे तो फिर समस्या है। और पिछले मैच में आई थिंक 6 पे भेजा था, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है बड़े बल्लेबाज को, अगर आप ज्यादा लेट भेजेंगे तो फिर उस पर प्रेशर आएगा, वो नेचुरल गेम नहीं खेल पाएगा। 40 की एवरेज इनकी बहुत अच्छी एवरेज है, पूरी टीम में आप देखें तो किसी की नहीं होगी। एक वो एलएसजी में केएल राहुल है, उनकी 41 की एवरेज रहती है। तो ये जो 40 की एवरेज वाले प्लेयर रहते हैं ये बहुत रेयर होते हैं, मैं आपको बता दूं। बहुत से बहुत आपको 28 30 31 इतने एवरेज के प्लेयर मिलेंगे, ये 40 एवरेज होता है इनका टी20s में, बहुत अच्छे प्लेयर है। अगेंस्ट आरसीबी देखें तो यहां पे रेड्डी तो खेले नहीं आरसीबी को, लास्ट टाइम बॉलिंग बस करी थी आरसीबी के सामने। त्रिपाठी की आखिरी चार मैच कुछ खास नहीं है, 150 प्लस का स्कोर है, बाकी स्कोर खराब है। 40 के एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं आरसीबी के सामने। क्लासिन ने लास्ट टाइम 104 बनाया था और उसके पहले 32 बनाया था, यानी पिछले दो मैचेस से आरसीबी की अच्छी पिटाई करी है क्लासिन ने आरसीबी के बॉलर्स की। और इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम हालांकि ये 6 रन पे आउट हो गए थे क्लासिन। अब्दुल समाद, अब इनका परफॉर्मेंस देखिए, आखिरी चार पांच मैच अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मैच में वही 20-25 की स्कोरिंग, ठीक है। फिनिशर का इनका रोल है, 25 का एवरेज होता है। लास्ट दो मैचेस से आरसीबी के सामने टोटल फ्लॉप है, इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगे। अब इनके बोलर्स की बात करते हैं, बोलर्स में शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर, उनादकर नटराजन। अब इनके सबके आखिरी चार चार मैच के विकेट देखते हैं, टी20 या आईपीएल जो भी मैच खेल के आए उसमें क्या इनका परफॉर्मेंस है आखिरी चार टी20 मुकाबलों में, ठीक है। तो उसमें देखिए शहबाज अहमद को मिले हैं 3 विकेट टोटल 4 मैच में, पैट कमिंस ने निकाले हैं 5 विकेट, भुवनेश्वर ने निकाले हैं 3 विकेट, उनादकट ने निकाले हैं 4 विकेट और नटराजन ने निकाले हैं 5 विकेट। यानी ऑन एन एवरेज इस टीम की बॉलिंग जो है वो एवरेज ही चल रही है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा विकेट निकालने वालों में पैट कमिंस का नाम है और नटराजन का, बस। इसके बाद आप देखिए फिर आ जाते हैं उनादकट, फिर आ जाते हैं भुवनेश्वर। एक मैच में भुवनेश्वर बहुत अच्छा खेले थे बट दिक्कत वही है कि कुछ मैच में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ में काफी खराब परफॉर्मेंस इनकी जाती है। पिछले दो मैचेस से आईपीएल में विकेट मिलना शुरू हुए, उसके पहले के दो तीन मैच तो काफी खराब गए थे इनके। सो ओवरऑल इस टीम में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट से विकेट ले रहा हो। अब इनके पूरे कैरियर में अगर आप देखें तो स्ट्राइक रेट इनके कैसे हैं, स्ट्राइक रेट यानी कि कितनी बॉलों में एक विकेट निकालते हैं। जैसे नटराजन का जनरली जो परफॉर्मेंस आता है टी20s में, हर 19-20 बॉल में इनको एक विकेट तो मिल ही जाती है, यानी चार ओवर करेंगे तो एक विकेट तो मिलेगा ही। वैसे उनादकट को हर 20 बॉल में एक विकेट मिल जाती है, भुवनेश्वर को 21 बॉल के आसपास, कमिंस को भी 21 बॉल के आसपास विकेट मिलती है। तो ये इनका कुछ रिकॉर्ड है। शहबाज अहमद को 24 बॉल के आसपास में विकेट मिलती है। जिनका स्ट्राइक रेट कम है वो ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर है। अगेंस्ट आरसीबी देखिए क्या परफॉर्मेंस रही इन बॉलर्स की। सबसे अच्छा बॉलर कौन है आरसीबी के सामने, टी नटराजन। ये देखिए आखिरी चार मैच में इस प्लेयर ने टोटल 7 विकेट निकाले हैं, कितने 7 विकेट। और बाकी प्लेयर्स ने कितने निकाले, उनादकट के आखिरी चार मैच में आरसीबी के सामने सिर्फ 1 विकेट है, भुवनेश्वर के 3 है, यहाँ पे कमिंस के भी 3 है। सो बाकियों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो एक प्लेयर आपको अच्छा मिल गया टी नटराजन, ये आरसीबी का विकेट लेता है और हर 16.7 बॉल्स यानी अप्रोक्सीमेटली हर 17 बॉल में एक विकेट लेता है। इसको लेके चलना, इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड देख लो, इस ग्राउंड पे सबसे अच्छा किसने किया है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पैट कमिंस का है, 13 के स्ट्राइक रेट से बॉलिंग कर रखी है, 13 के स्ट्राइक रेट से। आखिरी चार मैच में कितने विकेट है, टोटल 6 विकेट है। यहाँ पे भुवनेश्वर के कितने विकेट है, 5 विकेट है, उनादकट के 3 विकेट है, नटराजन को कोई विकेट नहीं। यानी इस ग्राउंड के हिसाब से देखें तो सबसे अच्छे बॉलर्स की कैटेगरी में आपके पास कमिंस और भुवनेश्वर आ जाएंगे, और हेड टू हेड में कौन आया था, टी नटराजन। तो ऐसे आपको ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स को फिल्टर करते जाना है और आपको पता चलेगा कि कुछ प्लेयर हैं जैसे नटराजन, कमिंस और भुवनेश्वर जो अच्छा कर सकते हैं और जिसमें नटराजन और कमिंस टॉप कैटेगरी में आने चाहिए। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ की मैचअप्स की। बहुत ज्यादा की मैचअप्स इस मैच में है नहीं, तो बस बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने एक एक दो दो मैचअप्स देख लीजिए। सबसे पहले हेनरिच क्लासिन को देख लेते हैं। क्लासिन सिराज के सामने 14 गेंदों में 28 रन अब तक बना चुके हैं, एक बार विकेट लिया है सिराज ने इनका, 200 के स्ट्राइक रेट से पिटाई करी है सिराज की क्लासिन ने। एडिन मरकम का देखिए, कैमरून ग्रीन ने 3 बॉलों में एक बार इनका विकेट लिया और सिराज ने 47 बॉल में 2 बार त्रिपाठी का विकेट लिया बट 58 रन खाने के बाद। कोई बहुत अच्छा मैचअप नहीं है, मैचअप से ये टीम आपकी बनेगी भी नहीं, तो इस मैच में रहने दीजिए मैचअप्स, ठीक है। आरसीबी की बात कर लेते हैं, आरसीबी क्या कर रही है, पिछले मैच में क्या किया था। तो आरसीबी ने भी लास्ट मैच में बैटिंग फर्स्ट करके अपने दो बैटर्स का इस्तेमाल कर लिया था, रजत पाटीदार और सौरभ चौहान। अगर हम बात करें इस टीम की तो ओवरऑल तो अच्छी टीम है ऊपर से, बट बॉलिंग एंड से खराब हो जाती है। फाफ डुप्लेसिस विराट कोहली टीम के लिए ओपन करेंगे, ध्यान रखिए लास्ट टाइम विराट ने एसआरएच के सामने शतक लगाया था। नंबर 3 पे आपको विल जैक्स दिख सकते हैं, फिर रजत पाटीदार जो पिछले मैच में काफी अच्छा खेले। मुझे लगता है इस मैच में टीम मैक्सवेल को ड्रॉप करेगी, उनको ड्रॉप
होने की जरूरत भी है क्योंकि लगातार खराब खेले जा रहे हैं, टीम के लिए कुछ परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे। हालांकि टीम के पास ऑप्शन भी नहीं है, अगर मैक्सवेल को ड्रॉप करेंगे तो फिर कैमरून ग्रीन की ऑप्शन है, वो भी बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है। इसके बाद दिनेश कार्तिक है, तो देखिए कैमरून ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल में से कोई भी खेल सकता है, दोनों का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। फिर दिनेश कार्तिक हैं, फिर सौरभ चौहान हैं, महिपाल लोमरोर हैं, रीस टॉपली इनके मेन बॉलर होंगे, सिर्फ एक बॉलर जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ आरसीबी की तरफ से। बाकी फिर विजय कुमार व्यासक भी थोड़े से ठीक ठाक बॉलर आप कह सकते हैं। सिराज का फॉर्म तो एक्सट्रीमली खराब चल रहा है और आकाशदीप का टीम ने पिछले मैच में इस्तेमाल किया, तो टीम चेंजेस भी काफी ज्यादा कर रही है और जिसके चलते हर मैच में आप देख रहे हो प्लेइंग 11 की थोड़ी सी चेंज हो रही है। ठीक है, अब आगे डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें तो इस टीम से डेथ ओवर कौन करेगा, एक तो हो गया रीस टॉपली, ये डेथ में बॉलिंग करेगा, और दूसरा हो गया मोहम्मद सिराज, मोस्टली ये डेथ में बॉलिंग करेगा। हालांकि टीम का कोई भरोसा नहीं है, टीम का स्टेटस बहुत खराब है, कोई भी बॉलिंग करने आ सकता है डेथ ओवर्स में भी, बट सिराज और टॉपली मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ्स में बॉलिंग करते हैं और ये टीम के मेन डेथ बॉलर होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और इनका भी फॉर्म एक बार हम देख लेते हैं, कैसा क्या फॉर्म चल रहा है, कौन से क्या बॉलर आपको लेने चाहिए, कौन से बैटर्स पर ध्यान देना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाइए फाफ डू प्लेसिस की तरफ, लगातार परफॉर्मेंस सुधर रहा है। ये देखिए लास्ट मैच में 61, उसके पहले 44-98, यानी कि हर मैच में थोड़ी बेटर परफॉर्म करके जा रहे हैं। 34 के बैटिंग एवरेज से खेलते हैं, अगेंस्ट एसआरएच रिकॉर्ड इनका अच्छा है, पिछले दो मैचेस से लगातार 70-70 के स्कोर है, 44 की एवरेज से बैटिंग करी है और इस ग्राउंड पे 45 के एवरेज से खेलते हैं। कुल मिला के एक अच्छा प्लेयर है इस ग्राउंड के हिसाब से और अपोजिशन टीम को देखते हुए। विराट कोहली आखिरी मैच खराब गया, 3 रन पे आउट हो गए, बट उसके पहले के सारे मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी आई है, शतके भी लगाए, अर्धशतक भी लगाई, 38.5 के एवरेज से खेलते हैं ये। और सबसे बड़ी बात, एसआरएच के सामने लास्ट टाइम 100 लगाए थे इन्होंने, 35 के एवरेज से बैटिंग है और ये शतक जो आप देख रहे हैं ये एसआरएच के सामने है, ठीक है, लास्ट सीजन ही। इसके अलावा इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा रहता है, 41 के एवरेज से खेलते हैं। तो इस ग्राउंड पे अगर आप देखें डुप्लेसी और विराट कोहली लगातार अच्छा खेले है। फिर आते विल जैक्स, पिछले मैच में 8 रन पे आउट हो गए, हालांकि बॉलिंग करके एक विकेट लेके चले गए थे, बढ़िया ऑलराउंडर है, 30 का बैटिंग एवरेज होता है, स्ट्राइक रेट 17 का होता है, मस्ट हैव आपको लेना चाहिए। अपोजिशन टीम के सामने पहली बार खेलेंगे, इस ग्राउंड पर भी ये पहली बार खेलने वाले हैं। इसके बाद रजत पाटीदार आते हैं, पिछला मैच काफी अच्छा था, उसके पहले वाला मैच थोड़ा सा एवरेज था और उसके पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे, यानी इनका भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक हो रहा है। ठीक है, पिछले दो मैचेस से पाटीदार अच्छा खेल रहे, बैटिंग एवरेज 31 की है इनकी, 48 का एवरेज है, एसआरएच के सामने लास्ट टाइम 48 बनाया था और इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 29 बनाया था, यानी इस मैच में इनसे भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं परफॉर्मेंस की। कैमरून ग्रीन आखिरी 4 मैच पूरे खराब, बॉलिंग वो भी खराब, ठीक है, बॉलिंग में तो इनको विकेट मिलता नहीं, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है और बॉलिंग इनसे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, स्ट्राइक रेट 38 क्रॉस कर चुका है, यानी हर दो मैच में अप्रोक्सीमेटली एक विकेट मिलता है कैमरून ग्रीन को अगर फुल 4 ओवर या 3 ओवर करें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके अपोजिशन टीम के सामने स्टैट की, तो वो अच्छा है, दो मैच खेले और दोनों में 100 नॉट आउट 64 नॉट आउट रहे हैं, और यही रीजन है कि मुझे लग रहा है कैमरून ग्रीन को टीम मैक्सवेल की जगह पे इस मैच में लाएगी, और आप देख लेना प्लेइंग 11, मुझे लग रहा है कैमरून ग्रीन को खिलाना चाहिए ये स्टेट देखने के बाद, क्योंकि मैक्सवेल से तो बेटर ही ऑप्शन हो सकते हैं पुराना रिकॉर्ड देखते हुए। ठीक है, और इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड हालांकि अच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेड टू हेड अच्छा होने की वजह से कैमरून ग्रीन के चांसेस इस मैच में खेलने के ज्यादा। फिर टीम के विकेट कीपर प्लेयर है दिनेश कार्तिक, जब मौका मिल रहा है अच्छा खेल रहा है, बट दिक्कत क्या है कि इस मैच में अच्छा खेल गए तो अगले मैच में टीम इनको बहुत नीचे फेंक देगी, ठीक है, मतलब बैटिंग करने का ही मौका नहीं देगी, सो ये समस्या है। कार्तिक बहुत अच्छे प्लेयर है बट अगर उनको बैटिंग मिल जाए नंबर 6 तक, उससे नीचे मिलेगी तो फिर दिक्कत है। नंबर 6 तक एनी हाउ कार्तिक को यार 5 पे ही प्रमोट कर देना चाहिए अगर वो अच्छा खेल रहा है, बट नहीं कर दी टीम, तो कुछ मैचेस तो अच्छे हैं कार्तिक के, कुछ में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए। अपोजिशन टीम एसआरएच के सामने 20 का एवरेज है और इस ग्राउंड पे इनका 17 का एवरेज चलता है। ठीक है, फिर आते हैं सौरभ चौहान, आखिरी 4 मैच इनके अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस 2 मैच से बहुत ज्यादा खराब है, एवरेज 18 की चल रही है। पहली बार खेलेंगे अपोजिशन टीम को, पहली बार ग्राउंड पे खेलेंगे, कुछ कह नहीं सकते कैसा खेलने वाले। लोमरोर शुरुआती मैचेस अच्छा खेले, टीम ने फिर खिलाया नहीं, इनकी रिदम टूट गई, लास्ट मैच में फिर मौका दिया, 0 पे आउट हो गए। सो अच्छे खासे प्लेयर्स का फॉर्म अच्छा होता है और उसके बाद टीम उनको ड्रॉप करके उनका फॉर्म खराब कर देती है। 27 के एवरेज से बैटिंग करते हैं अपोजिशन टीम के सामने, 40 के एवरेज से और 19 के एवरेज से यहां पे बैटिंग कर रखी है लोमरोर ने तो ग्राउंड पे। ठीक है, अब इनके बोलर्स की बात करते हैं, आखिरी जो 4 बोलर्स इनके अभी खेले हैं लास्ट मैच में, तो उनके आखिरी 4 मैच कैसे हैं जिसमें आईपीएल इंक्लूड होगा, T20 डोमेस्टिक इंक्लूड होगा। टॉपली के आखिरी 4 मैच में टोटल 4 विकेट है, व्यासक के आखिरी 4 मैच में 3 विकेट है, सिराज के आखिरी 4 मैच में 2 विकेट है और अक्षदीप के आखिरी 4 मैच में 2 विकेट है। इस टीम के लिए आखिरी 4 मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला सिर्फ टॉपली है और उसने भी बहुत ज्यादा विकेट नहीं लिए इस टीम में आके, पता नहीं वो भी एवरेज खेलने लगा है।
ओवरऑल स्ट्राइक रेट टी20s में देखें तो टोपली का काफी अच्छा रहता है, हर 16 बॉल में एक विकेट लेते हैं। व्यासक हर अप्रोक्सीमेटली 20 बॉल में एक विकेट लेते हैं। सिराज को तकरीबन हर 22 बॉल में विकेट मिलती है और आकाशदीप को हर 23 बॉल में विकेट मिलती है। यानी देखा जाए लॉजिकली तो टोपली और व्यासक ज्यादा बेटर बॉलर है। टोपली और व्यासक ये आपके लिए फिर भी बेटर है, सिराज और डीप अच्छा नहीं कर रहे अपोजिशन टीम के सामने। बाकी तो कोई बॉलर खेला नहीं, सिराज ने खेला है आखिरी 4 मैच में सिर्फ 1 विकेट है, बहुत खराब रिकॉर्ड है। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो सिराज का डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब नहीं, 18.3 का स्ट्राइक रेट है, यानी एक आध विकेट इस ग्राउंड पे इनको मिल जाता है। लास्ट टाइम आकाशदीप भी इस ग्राउंड पे एक विकेट लेके गए थे, उस मैच में उन्होंने 3 ओवर कराए थे। और टोपली का भी यहाँ पे देखें तो पिछले 2 मैचेस से थोड़े बहुत विकेट मिले हैं, और व्यासक को भी आखिरी 4 मैच में टोटल 4 विकेट। यानी इस टीम की अगर आप बॉलिंग की बात करें तो एक एक बंदा एक एक विकेट से ज्यादा शायद नहीं ले पाएगा, एक एक विकेट मान के चलो हर एक बंदे के। टॉपली के 2 हो सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो ये है टीम आरसीबी, इनके थोड़े से मैचअप देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो। फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली इनके 2 मेन प्लेयर, उन्हीं का देख लो बस। नटराजन की 16 गेंदों पर डुप्लेसी के 20 रन है, एक बार नटराजन ने डुप्लेसी का विकेट लिया है। वैसे ही जयदेव उनादकट की 33 बॉल्स पे डुप्लेसी के 70 रन है और 2 बार इन्होंने उनका विकेट ले रखा है, बट बहुत पिटाई करी हुई उनादकट की डुप्लेसी ने। विराट कोहली देखिए, नटराजन की 21 बॉलों पे 28 रन बना के 1 बार आउट हुए, भुवनेश्वर की 81 बॉल्स पे 109 रन बना के 4 बार आउट हुए, दिनेश कार्तिक पैट कमिंस की 15 बॉलों पे 17 रन बना के 1 बार आउट हुए। तो बहुत अच्छे कोई मैचअप नहीं है बट फिर भी दिखा दिया मैंने आपको। अब आगे चलते हैं और टीम बना लेते हैं। अब टीम आपको बैटिंग फ्रेंडली बना ली है क्योंकि एम चिन्ना स्वामी का स्टेडियम है और काफी छोटी बाउंड्रीज होती हैं, बैटिंग के लिए ग्राउंड अच्छा माना जाता है। तो शुरू करते हैं स्मॉल लीग की टीम बनाना। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर की। विकेट कीपर आपके लिए क्लासी नहीं अच्छे हैं, दिनेश कार्तिक को ज्यादा मौका मिलता नहीं बैटिंग करने का, और जिस दिन मिलता है उसके अगले दिन उनको और नीचे भेज दिया जाता है। सो बेस्ट ऑप्शन है क्लासी, और लास्ट टाइम इसने 100 भी बनाया था आपको बता दूं आरसीबी के सामने, और आरसीबी की तरफ से लास्ट टाइम एसआरएच के सामने विराट कोहली ने 100 बनाया था। दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले थे लास्ट टाइम, पिछले साल का आप स्कोर कार्ड उठा लो, 104 बनाया था एसआरएच की तरफ से क्लासी ने अगेंस्ट एसआरसीबी 104, और विराट ने कितना बनाया था 100 बनाया था। तो दोनों प्लेयर शतक लगा के गए थे लास्ट सीजन जब आपने सामने टीमें खेली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लेसी भी हर बार आप देखो एसआरएच के सामने पिछले 2 मैचेस से 70 प्लस का स्कोर कर रहे हैं 2 मैचेस से। ट्रेविस हेड को आपको लेना है बैटिंग देखते हुए, अभिषेक शर्मा को भी लेना है, बैटिंग ट्रैक है। एड्रियन मलकम को ले लो, विल जैक्स को ले लो, कैमरून ग्रीन भी आखिरी 2 मैचेस से एसआरएच के सामने 100 और 50 प्लस के स्कोर कर रहे हैं, तो ये इसको भी मार्क कर लेना। हो सकता है इस मैच में मैक्सवेल की जगह पे ये खेल जाए, ठीक है। और बॉलिंग में पैट कमिंस, टॉपली और नटराजन को ले लेना, क्योंकि टॉपली से बढ़िया बॉलर कोई है नहीं आरसीबी में, बहुत से बहुत अगर परफॉर्म करेंगे तो यही कर पाते हैं। और बाकी पैट कमिंस नटराजन को आपको लेना चाहिए, बढ़िया प्लेयर्स है। तो ओवरऑल ये मेरी टीम होती है, मोस्टली आप बैटिंग फ्रेंडली टीम ये देख रहे हैं क्योंकि बैटिंग अच्छी हो रही है इस ग्राउंड पे, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मैंने उन प्लेयर्स को दी है जो बहुत ही स्किल्ड प्लेयर है और प्रूवन है, ठीक है। तो ये मेरी टीम रहने वाली स्मॉल लीग की, आप इस टीम के साथ जा सकते हो, बहुत से बहुत कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का चेंज कर सकते हो। तो ये मेरी स्मॉल लीग की टीम रहने वाली है। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। ग्रैंड लीग की टीम में हम क्या करेंगे, 4 टाइप से आपके लिए टीम बनाई है हमेशा की तरह। सबसे पहले हैदराबाद फेवरेट टीम बनाएंगे। हैदराबाद फेवरेट टीम में क्या करना है, हैदराबाद फेवरेट टीम में हैदराबाद की तरफ से क्लासिन को कैप्टन कर देना, और वाइस कैप्टन अपने हाँ, अपने हिसाब से किसी बैटर को कर देना। ट्रेविस हेड भी हो सकते हैं, मरकरम भी हो सकते हैं, अभिषेक शर्मा भी। मैं अभिषेक के साथ जा रहा हूँ क्योंकि परफॉर्मेंसेस इनके ज्यादा कंसिस्टेंट आए। फिर मैंने विराट कोहली डुप्लेसी को भी लिया, विल जैक्स को लिया, यहां से भुवनेश्वर पैट कमिंस नटराजन, और यहां से टॉपली को ले लिया। तो ये मेरी रहेगी हैदराबाद फेवरेट टीम। अगर मैं बैंगलोर फेवरेट टीम बनाऊंगा तो कैसी टीम बनेगी, बैंगलोर के ज्यादा प्लेयर्स होंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे होंगे विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, विल जैक्स और कैमरून ग्रीन को लूंगा और टॉपली को लूंगा, और दूसरी टीम से नटराजन, कमिंस, मरकरम, हेड, अभिषेक और क्लासिन होंगे। सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन आप देख रहे हो आरसीबी की तरफ से रहने वाले, उनके प्लेयर्स भी थोड़े से कम लिए होंगे, उनके पास है ही नहीं अच्छे प्लेयर। तो बैंगलोर फेवरेट भी यही टीम बनेगी। न्यू ओवर एक्सपीरियंस, अब इस टीम में हम यंग प्लेयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो यंग प्लेयर्स में हमने किसको पकड़ा, अभिषेक शर्मा को, जिसको सीधा कैप्टन ठोक दिया, वाइस कैप्टन ठोक दिया नितेश रेड्डी को, आप चाहो तो विल जैक्स को भी ठोक सकते हो, ये भी अच्छे यंग प्लेयर है, और कैमरून ग्रीन भी अच्छे यंग प्लेयर है, इवन पाटीदार भी पिछले 2 मैच से अच्छा खेल रहा है, ये भी यंग प्लेयर है। तो इस टीम में आप देखो मोस्टली हमने यंग प्लेयर्स को मौका दिया है, ठीक है। तो कुछ टीम आपको हमेशा ऐसी बनानी चाहिए ग्रैंड लीग्स में जिसमें कुछ यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में नितेश रेड्डी का किसको पता था, उसने फिर 61 रन बनाए, 1 विकेट लिया, तो पूरा माहौल ही बदल दिया। तो समटाइम्स आपके ये प्लेयर जब परफॉर्म करेंगे ना तो आपकी टीम बहुत ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक टीम बनानी जरूर है।
ग्रैंड लीग्स में हमेशा अपने लॉजिक से बनाइए। अब एक टीम आप एक्सपीरियंस वाली बनाइए जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एज्ड प्लेयर्स लेने, जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, जैसे दिनेश कार्तिक बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, क्लासिन काफी क्रिकेट खेले हुए हैं, विराट कोहली काफी खेले हुए, डुप्लीसी की एज तो 39 हो चुकी भाई क्रिकेट खेलते खेलते, ट्रेविस हेड ठीक ठाक खेले बहुत ज्यादा नहीं, मरकम काफी खेले हैं, विल जैक्स की ठीक ठाक बैटिंग मतलब करी हुई है, कुछ देखिए कुछ थोड़े से यंग प्लेयर भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे एज्ड प्लेयर आपको लेने हैं। भुवनेश्वर के पास एक्सपीरियंस बहुत है, कमिंस के पास बहुत एक्सपीरियंस है, नटराजन के पास काफी एक्सपीरियंस है, टोपली ठीक ठाक, तो यहाँ पे आप देखो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आपके पास वो हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है अपने टाइम पे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मैंने दी है डुप्लेसी और विराट कोहली को, क्योंकि ये टीम के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और काफी एक्सपीरियंस भी हैं। तो ये मेरी एक्सपीरियंस वाली टीम है, टोटल चार टीम है, आप देख लो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इन चार टीमों से आपको करना क्या है, आपको इन चार टीमों से और टीमें बनानी है, एक एक टीम से दो दो तीन तीन टीमें, जिससे आपकी 8 और 16 टीम बनेंगी ग्रैंड लीग में। और जब आप ऐसी मल्टीपल टीम्स बनाएंगे अपने लॉजिक से, इन्हीं को कॉपी कर लो बट कुछ अलग करो इसमें, तभी ग्रैंड लीग जीत पाओगे, ठीक है? और कोई तरीका नहीं है ग्रैंड लीग जीतने का, अपने लॉजिक्स बनाओ, जैसे मैंने ये चार बनाए, आप 5 और 6 लॉजिक भी बना सकते हो, तो ऐसे करोगे तो ग्रैंड लीग जरूर जीतोगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।